शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अटेंशन अटेंशन, अरे सुनिए, इस पिक्चर की कहानी सच्चाई पे आधारित नहीं है, हो भी सकती है। सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन आपने अगर उल्टी सीधी हरकत की तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। की चाहिए? आपका वक्त चाहिए मैडम, बस 5 मिनट। आ देखो, कुछ बेचना है तो दफा हो जाओ तुरंत। अरे सुनिए ऐश्वर्या जी, आप तो बुरा मान गए। ऐश्वर्या? कौन है ऐश्वर्या? ना ना, आई एम मिसेज काजोल मुखोपाध्याय। माय मिस्टेक। वो क्या है ना, आपको देखकर हमको देवदास की ऐश्वर्या राय याद आ गई। वही चेहरा, वही लिबास, वही अदाएं, पर ये हाथ, ये हाथ कुछ जमे नहीं मैडम। हाथ मने? अरे हाथ मने, आप कौन सा वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करती हैं? हेमा वॉशिंग पाउडर। हेमा? अब देखिए, ये हेमा ने आपके हाथों की रीटा जाए और सुषमा कर दी है। पर आप घबराइए मत, इसका भी इलाज है गुड्डू के पास। Myself, गुड्डू। ये है गुड्डू, चंपारण बिहार से, करते हैं वॉशिंग पाउडर का व्यापार और भाभियों से प्यार। देखिए मैडम, वॉशिंग पाउडर नंबर 5, बस चुटकी भर वॉशिंग पाउडर मैडम, चुटकी भर। पानी में मिलाया, हिलाया, झाग 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 बनाया, अपने कपड़े उतारे, मेरा मतलब है पानी में डाले, थोड़ा रगड़ा, थोड़ा धोए और फिर निचड़ा 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 निचड़ा, बस फिर का है, आपके कपड़ों में सफेदी जैसे नमक, हाथों में लचक और चेहरे पे चमक लौट आएगी। सच? अगर आप कहें तो हम आपको डेमो दे दे। तुम ही काज पे? सॉरी, मेंशन नॉट। कौतुक परिष्कार, वाह, तुम तो अनेक अच्छा कपड़ धोता है। गुड्डू में बड़े बड़े गुण है मैडम। हमारे तो सारे दोस्त और घर वाले ही कहते हैं, बेटा गुड्डू जिससे भी तुम शादी करोगे ना, वो बहुत खुश रहेगी। और यदि किसी शादीशुदा लेडी को खुश करना हो तो उसका भी कोई गुण है तुम्हारे पास? उसके लिए गुण नहीं, गन की जरूरत होती है।
सूर में है गली 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 में गुड्डू की गन जो चले रहे खलबली में बड़े बड़े सूर में है गली 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 में गुड्डू की गन जो चले रहे खलबली में बातें तेरी आंखों में से लिए लिए जाए सारी रातें मेरी अरे हाँ सर पे चढ़ने वाली जवां फीलिंग तेरी के मुझे मार गई हर एक अदा किलिंग तेरी हंसना गुड्डू एक तो तुम बिना नोटिस का आता है ऊपर से इतना भूकंप लाता है आज ही सरकार गिराने का इरादा है क्या अरे तुम्हारे जादू से सरकार क्या पीसी सरकार भी गिर जाएगा हॉलीवुड से बॉलीवुड तक अरे लड्डू कैमन आछे बनर्जी बाबू क्या देखिएगा वो हमारे घर में ना रिश्तेदार आया हुआ है तो सिनेमा देखने को बोला अच्छा तुम्हारे पास वो रेखा पिक्चर है रेखा डीवीडी हाँ ये लो रे सौमे तो बोलो ए टकी रेखा पिक्चर दिखाओ अरे ये ब्लू रे है दादा ब्लू रे एकदम क्लियर पिक्चर आर पार सब दिखेगा दबोंग ये चुलबुल पांडे ऐसा बेल्ट हिलाएगा तुम्हारा घर में सब हिल जाएगा ओ ठीक है ये लो पिक्चर ये है लड्डू गुड्डू के यार फिलोसोफर और गाइड हमेशा करते उन्हें हैं मिस गाइड उनसे 2 फुट लंबे हैं और बहुत बड़े अचंभे हैं हाँ। ये और डालो अरे बस उल्लास बकवास कौन सी दारू है साले काला सांड तुम बूढ़े आदमी से काले सांड पे आ गए हो अरे गुड्डू भैया हमारा धंधा एकदम बैठ गया है पैसा का थोड़ा प्रॉब्लम है साला ये तो चीटिंग है ना क्यों हमारी बारी जब आती है तब तुम्हें विदेशी दारू चाहिए और अपनी बारी में ये काला सांड साले मारनी तुम्हारी अरे गुड्डू भैया ये डाउनलोडिंग ने पूरा धंधा डाउन कर दिया है अरे छोड़ो यार कोई साला डीवीडी नहीं ले रहा है सब डाउनलोड कर रहा है आप देखिए ना अभी एक बहुत सॉलिड हाथ मारे बहुत माल आने वाला है सही में कहा कि लड्डू तुम किसी की मारने का प्लान बनाए हो ना अरे ये देखिए ना हम दोपहर को मुखोपाध्याय के घर में डीवीडी छोड़ने के लिए गया उधर खिड़की से देखा साला सीन चालू था दिखाओ दिखाओ हमको भी दिखाओ आप हमारा प्रतिभा को नहीं ना समझते हैं छोड़ो हमको दिखाओ मिसेस मुखोपाध्याय अरे हम जानते हैं इनको कैसा हंस रही है देखो लेकिन अबे हीरो पहचान का है साले सुग्रीव के सेनापति गधों के प्रजापति अरे अबे तुम साले हमारे गेम कर दिया अरे काहे अबे उल्लू ए हम हैं हैं ये देखो ये आप हैं तो फिर मर गए अरे आप धन्य हैं प्रभु अब किए का उसे एमएमएस के साथ दिए तो नहीं ना अबे किए का भेज दिए ना उसको डीवीडी बना के मुखोपाध्याय को भेज दिया वेरी गुड काहे इतना बोरा रहे हो आपका चेहरा नहीं ना दिख रहा है उसमें उसका बीवी ने उंगली उठाया ना तो आप बोल देना आप नंदिता के साथ में थे अबे कौन नंदिता अरे आप बिना बगल में पाउडर बेच के भूल जाते हैं ना लड्डू देखो कौन है अरे कौन है कौन मैं शन्नू काम वाली अरे हमारे पास कोई काम नहीं है जाओ अरे बाबा मैं रोज यहाँ पे आती हूँ काम करने दरवाजे
खोलो। अरे क्या घटिया पा है यार। अरे पापा की होलो, दरवाजा खोलो यार। गुड मॉर्निंग। अकेले हो ना? हाँ अकेले हैं। जल्दी अंदर आओ, अंदर आओ। अरे कहाँ हो गया? उसको बंद करो। लड्डू गड़बड़ है, भयंकर गड़बड़ है। ओए माँ! जी! अब क्या करेंगे? कुट भैया, अभी हम हॉल में जाके पता नहीं क्या क्या बोलेगी। अबे वो कहीं भाड़ में, इसका क्या करेंगे? अब इसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना। डॉक्टर? नाम? गुड्डू गोवर्धन प्रसाद। गुड्डू, देखते ही समझ गया था तुम बिहारी हो। एज? जी 24। 24। सेक्स? मेल। चलो। डॉक्टर साहब बताइए ना क्या हो गया है। सरिता? इन्ना सर, I'm coming. ओ लेडीज, उसी। अम्मा तलाइवा। उड़ी बाबा। पीला पीला पीतल जैसा क्यों हो गया? सर सोना, सर सोना। गोल्ड, इसका वो गोल्ड सर। तुम्हें कैसे पता? सर मैं साउथ इंडियन, मेरे को मालूम 100% गोल्ड। सोना? गोल्ड? सोने का लिंग? गोल्ड। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर गुड्डू। थैंक यू। और करिए खरा सोना, खरा सोना। ऊपर वाले ने सुन ली आपकी। लड्डू तुम मर क्यों नहीं जाते? डॉक्टर साहब इसका कोई इलाज तो बताइए ना। कुछ टेस्ट लिख दिया मैंने आपके लिए, ये आपको कराने। एक मिनट। तब तक आप ये क्रीम लगाइए उस पर, ये लीजिए। फेयर एंड मिस्टर लवली, आई मीन मिस्टर हैंडसम। सर ये क्रीम खाने से पहले लगानी है, खाने के बाद? बिफोर लंच से आफ्टर डिनर तक करीब करीब 5 बार लगाना है रेगुलर, डोंट मिस। ओके डॉक्टर साहब, इससे ठीक हो जाएगा ना? 100%, कोई गारंटी नहीं है। हाँ सरिता बोलो। अखिलेश तुम्हारे लिए सुपर स्टोरी। हाँ बोलो। मानोगे नहीं, मेरे पास एक केस आया है जिसमें आपने का डेड डॉग सोने का। क्या? Are you sure? डेड शोर। सरिता अगर तुम्हारी बात सच निकली तो इस बार मुझे रिपोर्टर नंबर 1 बनने से कोई रोक नहीं सकता। I'll cover this news. और सुनो, हम जल्दी से शादी कर लेंगे। देखो और मैं इंतजार नहीं कर सकता सरिता। अयो देखो, मैं तुम्हारे साथ शादी तभी करेगी जब तुम मुझे हनीमून के लिए क्रूज पे लेके जाएगी। Exactly सरिता, मैं वही तो बोलने वाला था तुमको कि रिपोर्टर नंबर 1 को सिंगापुर क्रूज के 2 पासेस मिलेंगे। हम क्रूज में जाएंगे। हाउ एक्साइटिंग। जो करना है ना जल्दी करो। मेरे पास डॉक्टर से भी ऑफर है। हाँ, सो डोंट मिस द चांस। लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी, अजब गजब खबरों के पत्रकार, करते हैं सरिता से प्यार और बनना चाहते हैं खबरों की दुनिया के स्टार। सर
There is a breaking news, sir. अभी अभी मुझे एक फोन आया जिसमें एक एक लड़के के पास एक, एक डिंग डोंग आई मीन डिंग डोंग क्या डिंग डोंग सोने का सर सोने का यू मीन गोल्ड अखिलेश तुमने अपनी आंखों से देखा हाँ नहीं मेरी मंगेतर ने अपनी आंखों से देखा है सर मैं आपको अगर प्रूफ लाकर दूं तो सिंगापुर क्रूज का दो टिकट गुड्डू भैया रातों रात आपकी वैल्यू तो बढ़ गई है किसी ने ठीक ही कहा है सोना हमेशा ऊपर ही जाता है नीचे नहीं आता है चुप करो साला भैंसिया की बारात में नाचूं ये रात को हमारे साथ हुआ क्या है अब यार इसे तो बंद करो ए यहाँ पे पहले से इतना कंफ्यूजन है ऊपर से प्रवचन पुंजी का सलाह बड़ी उछल कूद कर रही है बंदरिया की तरह जा अगले जन्म में बंदरिया हो जा गुड्डू भैया हमको समझ में आ गया आपके साथ क्या हुआ है आपको ना किसी ने शापित किया है तुम ना साला ये सब देखना बंद करो भरा गए हो का अबे असल जिंदगी में ऐसा थोड़े ही होता है आपके साथ जो ये हो रहा है ये भी असल जिंदगी में नहीं ना होता है जब तुम 5-6 साल में कभी पते की बात करते हो ना तो उसके बाद अपना मुंह बंद कर दिया करो ताकि सामने वाले को शक ना हो कि गलती से किया है लेकिन बात पते की है ऐसा हो सकता है कि हम पे कोई काला जादू कर दिया हो कलकत्ते का काला जादू तो वैसे भी वर्ल्ड फेमस है लेकिन हमारे साथ ऐसा करेगा कौन याद कीजिए ना कोई ऐसी लड़की है जिसको काला जादू टोना टोटका में इंटरेस्ट हो हम लड़कियों के शौक पूछने नहीं जाते अपने शौक पूरे करने जाते तो अगली बार शौक पूछ लेना ताकि आपको ऐसा शौक ना लगे आपको तो याद भी नहीं होगा आपने कहां कहां पे जाके वॉशिंग पाउडर बेचा है वॉशिंग पाउडर अरे लड्डू आज तो तुम खुद का 5-6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दियो रुको 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 एक सेकंड रुको ये देखो इसमें पिछला 3 महीने का दिन दिन का रिकॉर्ड है लेकिन साला जाके एक एक से पूछना पड़ेगा गुड्डू भैया अगर उससे पहले की कोई हुई तो साला कभी उम्मीद जगाने की बात मत करना हमेशा गुस्सा दिलाने की बात याद करना उल्लू का पट्टा पास द चकना साला इतना सेक्सी लगेंगे ना ये सांप जेने वाली को साख लगेगा कयामत का फन यह गुड्डू की गन काला जादू जादू एकदम ओरिजिनल माल है ओल्ड इज गोल्ड चक्रवर्ती मसाई ओल्ड इज गोल्ड एंटीक पीस है अरे बीवी को छोड़कर हर पुराना चीज का वैल्यू है आज की डेट में बीवी हेलो लाभ कुल्लेन कुरियर आया तुम्हारा दो अरे ऐसी भी क्या आग लगी थी कि पर्दे भी नहीं किए खैर आपके घर के पर्दे पर पहली बार एक नए उभरते निर्देशक की पेशकश ए बाबू मशाय इसे देखकर सच से इनकार मत करना और हमारे फोन कॉल का इंतजार करना अगले 10-15 मिनट हम अंदर में जरूरी काम में बिजी रहेगा डोंट डिस्टर्ब मी डिस्टर्ब मत करना आज से पहले हम तुमको कब डिस्टर्ब किया है मेरे कहने का मतलब है कि मैं अंदर में हूँ जरूरत हो तो बताना ठीक है तुम्हारे लिए
मैं हूँ एंटीक मोशाई, मुझे पुरानी और अजब चीजें ही भाए और बीबी अपनी उंगलियों पे नचाए। अरे सुनो काजल, देखो हमें माफ कर दो, हम बिना चेतावनी आ गए लेकिन हम अपने आप को रोक नहीं पाए। तुम्हें ही खाने की कोशिश, मिस्टर मुखोपाध्याय भीतर में है, तुम अभी जाओ। अरे हाँ हम चले जाएंगे, बस इतना बता दो क्या तुम हम पे कोई जादू की होगा? जादू तो तुम किया हम पे। तुम समझ नहीं रही हो, तुम इसको पूरा देखो। ये कौन है? ये कौन? गलत खाली हो गया। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुम्हारे वियोग में गुड्डू के साथ सब घर बैठे। किंतु आनंदो, उस समय भी ना हमारा सामने तुम्हारा ही फेस था शांति। अरे सेठ, डॉन मारवाड़ी नाम है मेरा। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं दूसरी कमिटमेंट लेता हूँ और उसके बाद तीसरी। क्या है कि आदमी कभी कभी पहली कमिटमेंट भूल जाता है। ये है डॉन मारवाड़ी, इनका दिल है छोटा, बड़ी है गाड़ी और धंधा पूरा सरकारी। अरे बोला ना सेठ, मैं तुम्हारा केस देखता हूँ, टेलीफोन रखो। सर चेतला से निकालू या कालीघाट से? बस तेरी मर्जी। अपने बीवी को उड़ाना था ना, तो अपने लड़के कर क्या रहे हैं सर? बॉस लड़कों के पास टाइम ही कहाँ है सर, बेहाला से लूँ या पार्क स्ट्रीट से? सब बेकार है साले, एक नंबर के बेकार। सच सच सच, लेफ्ट से लू के राइट से? टाउन में से ले ले साले। चोर रूबी। अरे रूबी क्या हो गया? मेरा इतना खतरनाक एक्सीडेंट हो गया और तुम्हें हंसी आ रही है? आप बड़े क्यूट लग रहे हो। यस। अरे लेकिन तुम हंस क्यों रही हो? नहीं, मैं आप पर नहीं हंस रही हूँ। एक मिनट क्या हुआ? पर एक अनजान आदमी है। हाँ? तुम्हें खाने क्यों आएगा? तुम्हारा उसके साथ क्या कनेक्शन है? तुम उसके साथ सोई हो ना? आराम खोर, मैं तेरा वो हाल करूंगा रूबी कि कांप उठेगी तेरी रूबी। माँ की आंख उधर क्या देख रही है? अगर उन बच्चों का ख्याल न होता ना तो कब का तुझे उड़ा दिया होता। सॉरी सॉरी। अच्छा एक बात बता, गुड्डू कब से जानती है तू? गुड्डू को 5 सालों से। और उन बच्चों की उम्र क्या है? कुछ 4 साल और 3 महीने। गुड भैया, आपने कुछ खाया? सुबह से सिर्फ धक्के खाए हैं लड्डू। ओह, शॉप वाली एक भी आइटम नहीं मिली क्या? नहीं रे। ओह, किसी पे शक? अब यार सुबह से जिन जिन के भी घर हम गए ना, वो हमें देखकर इतना खुश हुई है जितना अपने पति को देखकर ना होती है। और क्यों ना, छोटी नाटी मोटी बोधी बेटी जवान बूढ़ी, हमने किसी में कोई भेदभाव ना करते हुए सबको सिर्फ खुशियां ही बांटी है। फिर हमें साथ देगा कौन? गुड्डू भैया, लिस्ट की जो भी लड़कियां थी वो सारी हो गई क्या? नहीं रे, अभी एक बची। बस वही है फिर। अब अगर वो भी ना हुई ना लड्डू, तो इससे पुरानी वाली लिस्ट निकालनी पड़ेगी। अबे कहाँ फंस गए यार हम।
अरे गुड्डू भैया, जब हम उम्मीद जगाने वाली बात करते हैं तो आप हमको सीरियसली नहीं ना लेते हैं। सॉरी। अबे घंटे की उम्मीद जगा रहे हो यार तुम। गुड्डू भैया, वो सुबह एक पत्रकार आया था। हा? क्यों? आपके बारे में पूछ रहा था। अच्छा? हमने कह दिया घर पे नहीं है, लगता है उसको भनक लग गई है। अबे कब तक छुपाएंगे और किससे छुपाएंगे, एक ना एक दिन ये बात बाहर आ ही जाएगी, पता है। गुड्डू भैया, इस बात को बाहर आ जाने दीजिए। अगर ये बात बाहर आ गई तो हम इसको चमत्कार घोषित कर देंगे। गुड्डू बाबा का चमत्कार। आइए इस पे दान दक्षिणा चढ़ाइए, दूध जल चढ़ाइए, क्योंकि ये है हमारे गुड्डू बाबा, द लॉर्ड ऑफ द लिंग्स टिंग। मेरा श्राप काम कर गया, मुझ में अभी भी काली माँ की शक्ति है। अरे लेकिन आप तो पुरुष हो, आपको हमने हाथ भी नहीं लगाए, क्यों किया ऐसा हमारे साथ? उनसे क्या पूछते हो, मुझसे बात करो। अरे बोली, अब आप देखिए, अरे नीचे हम बात करने तो आए थे, ये देखो तुम्हारे दादाजी हमारे साथ क्या किए, हमारे मर्दानगी का बुरा हाल कर डाले। अरे जल्दी आओ, अब समझाओ अपने दादाजी को ये सब, छाप वापस लेकर नॉर्मल कर दे हमको, बहुत गलत किया तुम्हारे दादाजी हमारे साथ। और तुमने सही किया क्या मेरे साथ? तुम भी और जैसे निकले गुड्डू, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा था बस तुम ही हो। कौन हैं आप, किससे मिलना है? सॉरी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हम चलते हैं। अरे पर आपको चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं, हमारी गलती है, हमें आना ही नहीं चाहिए था, सॉरी। अरे मिस्टर, आपने दरवाजा क्यों खटखटाया? जी हम गुड्डू हैं, वॉशिंग पाउडर सेल्समैन, पाउडर बेचने आए थे, लेकिन आपको देखा तो लगा कि इतनी खूबसूरत नाजुक सी लड़की से कपड़े धुलवाना क्या, कोई भी काम करवाना पाप करवाने बराबर है, और हम ये पाप नहीं कर सकते, चलते हैं। सो सॉरी। एक सेकेंड जी, आपका नाम क्या है? अब रहने दीजिए, मत बताइए। असल में इतने प्यार से तरासे हुए मासूम भोले चेहरे का कोई नाम होना ही नहीं चाहिए, बस अदाएं होनी चाहिए, हंसी की सरगम बजनी चाहिए, रेशमी जुल्फों की घटाएं होनी चाहिए। एक नाम तो इनको बहुत ही छोटा कर देगा रे। चलता हूं। एक और बात जी, अपना ख्याल रखना। खुली आंखों से देखता हूं क्यों ख्वाब आजकल, उसके चेहरे से क्यों है गुलाब आजकल। रूबरू है एक नई सी दुनिया, देखी नहीं पहले कभी ऐसी दुनिया, ओ दिल मीठी सी खलिश है आशिकिया, रहते रहते जाने लगा सीने से कहां, ओ दिल जादू सा हो गया, कुछ तो है जो खो गया, बेसब्री बेहिसाब है क्यों, धीमा क्यों है शहर, बादामी दोपहर, उसके चेहरे से है गुलाब क्यों, रहबर रहबरा।
रास्तों पे मुझको छू के भागे अब हवाएं, जिस तरफ भी जाऊं है बरसती बस दुआएं। छोटी छोटी बातों पे भी अब हो रही हूँ खुश मैं, तुझसे मिलके कुछ भी नहीं से हो गई हूँ कुछ मैं। जादू सा हो गया कुछ तो है जो खो गया, बेसब्री बेहिसाब है क्यों रहबर क्या हुआ बेटा? दादू क्या हुआ? उसके बाद फिर वो दोबारा नहीं मिला। पूछताछ करने से पता चला कि गुट्टू का काम ही यही है, वो अपने वॉशिंग पाउडर की तरह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से भोली भाली लड़कियों को पहले भिगोता है, फिर उन्हें निचोड़ता है और फिर उन्हें सूखे कपड़े की तरह तार पर डालकर चला जाता है। मुझे सब भोली कहते हैं, पर मैं एक बात समझ गई हूँ कि चालाकी जिंदगी में इंसान को आगे तो जरूर पहुंचा देती है, मगर जब चाल उल्टी पड़ती है ना तो आदमी इतनी जोर से गिरता है कि आवाज नहीं होती, धमाका होता है। अरे इस धमाका में भी कोई आवाज नहीं आई ना। अरे हमें माफ कर दो भोली, भर दो हमारी झोली। दादाजी आप तो हम मानते हैं अपने मैनहुड का इस्तेमाल रॉबिनहुड बन के किए, लेकिन आप भी तो कभी जवान थे, आपको अपनी जवानी का वास्ता, समझिए ना, माफ कर दीजिए हमें। अरे भोली भोली देखो, हम मानते हैं हमने जो तुम्हारे साथ किया वो रावण ने सीता के साथ और दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ किया था, छल, और इस छल का फल हमें मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा फल जिसे लेकर हमें पल पल निर्बल होकर जीना पड़े, हम ऐसी जिंदगी नहीं जी पाएंगे भोली, इसीलिए कह रहे हैं प्लीज आप ही शराब वापस ले लीजिए। देखो शराब वापस ले लो, वरना हम अपनी जान दे देंगे। ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम में कितनी हिम्मत है, मर जाओ। ठीक है, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। रुक जाओ। थैंक यू दादू, इसे माफ कर दीजिए। हाँ नहीं, मेरा शराब वापस नहीं ले सकता, लेकिन लेकिन क्या? प्यार का खेल खेलते आए अब तक तुम सबके साथ, हाँ? अब प्यार तुम्हारा साथ खेलेगा, जाओ
जाकर प्यार की तलाश करो, एक सच्चे प्यार की। जिस दिन तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हारा सामने आएगा, उस दिन तुम ठीक हो जाओगे। सच्चा प्यार? और जब तक वो सामने रहेगा तुम ठीक रहोगे, नॉर्मल रहोगे। पर अगर हमेशा के लिए तुम्हें नॉर्मल होना है तो उस लड़की से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। उसकी मर्जी से, उसे मंगलसूत्र डालकर, काम सूत्र डालकर नहीं, सात फेरे लेने पड़ेंगे, तब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और अगर कभी तुमने उसके साथ भी धोखा किया तो तुम्हारा लिंग हमेशा के लिए सोने का हो जाएगा। फिर तुम न रहोगे पुलिंग, न स्त्रीलिंग, पौत्रीलिंग। अबे अघोरी कहीं के, इतनी छोटी सी बात के लिए कोई इतना बड़ा साथ देता है का? सच्चा प्यार अब कहां ढूंढे? सच्चा प्यार स्विट्जरलैंड में? बर्बाद कर दिया हमको। हम तो तुम्हें समझे थे पंछी सारस, लेकिन तुम निकली पत्थर पारस। भोली सच्चा प्यार देखो जहां हंसी जिगर, हंसी नजर, हंसी उमर, मारा मारा फिरे अकेला ही गुड्डू इधर उधर। ओ गुड्डू उड़ा उड़ा क्यों है पता कलर तेरा? ओ गुड्डू गले में क्यों आया फटके जिगर तेरा? लड्डू खोलो, हम हैं। अबे जल्दी खोलो यार, हमारा दिमाग वैसे ही खराब है। हटो अभी। लड्डू तुम्हें भी कोई साफ दे दिया क्या? अबे हो कौन? गुड्डू भैया हम यहाँ हैं। ये जबरदस्ती घर में घुसा है हमको धक्का देके, और यहाँ धूम मचा रहा है। तुम घुसने काहे दिए? अरे हम बोले इनको। और तुम काहे तन के खड़े हो बे? हम घर पे नहीं है तो घुसा है? संग्रहालय है क्या हमारा घर? अरे ऊपर से तन के दिखा रहे हो, भाई से जैसी बॉडी बना लिए, लड्डू को डराते हो? काहे मारू मारी मन का साले, दोबारा दिखे ना तो इतना भी नहीं। तू कहां पे अबे कर रहा है? तो ये गुड्डू है ना? हां हूं। का उघाड़ लेगा? हमारे साथ चल। काहे? अरे चल बताते हैं। आ अबे जाओ। तुम में से गुड्डू कौन है? अबे हम हैं गुड्डू। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? बोटानिकल गार्डन। अबे ओ कौन हो तुम लोग? गुड्डू हमारे साथ जाएगा। नहीं हमारे साथ जाएगा, हमारे साथ जाएगा, हमारे साथ जाएगा, हमारे साथ जाएगा। जाओ हमारे साथ जाएगा, हमारे साथ जाएगा। बड़ा डिमांड है यार हमारा। जाना कहाँ है? हो कौन तुम लोग? हमें एंटिक मोशाई ने भेजा है। हमें डॉन मारवाड़ी ने भेजा है। ओ तो हमें लश्कर ए तैयबा ने भेजा है। ये वाला अब बताओ क्या बोलते हो? बोलो नहीं बेटा खोलो। खोलो क्या? अपनी पैंट। सबको पता चल गया है कलकत्ते में सोने का कुतुब मीनार होगा है, तो सब दर्शन करने आए हैं, तो भागो। भाई साहब ऐसा है, आप लोग नाराज मत होइए, टॉस कर लेते हैं ना। अकड़ बकड़ बम्बी बोर असी नबी पूरे सौ सौ में निकला धागा, चोर निकल के भागा। सर यू आर डॉक्टर साहब है का? थोड़ा बिजी, सिट बैठो। हाँ हम यहाँ ही वेट कर लेंगे। बाय द वे कांग्रेचुलेशन सर। किस लिए? गोल्ड का प्राइस कितना बढ़ गया सर, गुड फॉर यू। रुम्मा नल्लर के वो मैं सॉरी। हेलो अखिलेश। हाँ वो बिग गन मुर्गन आया।
मेरा पप्पू बना है, वो उधर है, मैं इधर ढूंढ रहा हूँ उसको। तुम उसको रोक के रखो, मैं भी आता हूँ। ठीक है, शीघ्र मांगा। ओके बॉस, क्या बताऊं, साला हाथ आते आते रह गया। लड़के थोड़ा थक गए हैं, बस दो दो अंडे और एक चाय पी लें। अब बैठ। मैंने तुम्हें चाय पीने के लिए रखा है? अबे एडी के बच्चे, अगर आज गुड्डू की गन मेरे गले में लटकी हुई नहीं मिली ना, तो सालों मैं तुम सब की गन काट दूंगा। चलो बेटा, चलो चलो। हाँ सर, गुड्डू की गन मिला? वो तो भाग गया। अगर वो गन मुझे नहीं मिली ना, तो मैं तुम सबको गन से उड़ा देंगे, समझे? अरे हराम खोरो, चलो। सॉरी, नो प्रॉब्लम। सरिता, सरिता, इन्ने अखिलेश कहाँ हो? अयो, इधर ही तो था, किधर गया? पहले कहता हूँ, रेड कुर्ता, ब्लू जीन्स, गुड फैशन सेंस है। सरिता, कुछ बाजीरा जो तमाशा, एक छूटे होलो पगार पार, उड़े ऐसे जुड़े बोशे थे, এই কাণ্ড দেখিনি তো আর। হিস্ট্রি মিস্ট্রি বেবাকুফ, কুতু কুতু নবাকুফ, গুড্ডু রাখলে নেই যে মার, এলো কলকাতায় কুতু মিনার। চিনচাকা চিনচাকা, চিনচাকা চিনচাকা, চিনচাকা চিনচাকা, এলো কলকাতায় কুতু মিনার। उधर देख, उधर देख, भाग गया होगा यहाँ से। আলাদিনের প্রদীপ নয় যে সবাই চোখে দেখতে পায়, ওয়ে আস্ত দুনিয়াদার, এলো কলকাতায় কুতুব মিনার। नमस्ते सर, हम लोग वाबा थिएटर ग्रुप से हैं। नाटक के लिए चंदा चाहिए सर। है? अबे तुम्हारी, चंदा मामा रात को निकलेंगे, अभी सूरत से ही काम चलाओ, हटो। जिस दिन तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हारा सामने आएगा, उस दिन तुम ठीक हो जाओगे। प्यार है क्या यही? तुम्हारे से दिमाग खराब कर दिया, लेडीज को डराते हैं, साला से सार में लड़का से महसूस नहीं करता अब। गेट आउट। अजी सुनिए, वो सब गुंडा लोग गया और हमारा शराब भी कुआं में जा चुका है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। अपना शकल तो दिखाइए ना, आपको जान के बड़ी खुशी होगी, आप हमारा सच्चा। सच्चा प्यार इतना भयानक। ये सुनिए
ये तो कितना तेज चलती है आप। एक दो 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 मिनट यहाँ रुक जाइए ना, दो मिनट बस। हाँ हो गया। छी अरे रुक, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, अरे रुकिए तो। ये क्या बदतमीजी है? अरे हम हाथ पोछ लिए हैं, साफ है। पर आपका मन साफ नहीं है। देखिए हमारी शादी होने वाली है। ये सब ठीक नहीं है, जाने दीजिए हमें। शादी? अरे गुड्डू भैया, अरे कहाँ है, कब से ढूंढ रहे हैं, ठीक तो है? वो नॉर्मल हो गया है। हो, डॉक्टर साहब का क्रीम काम कर गया है। नहीं वो कौन है? वो काल भैरव की पोती है। उस भूड़े के सांप से भी भयानक सांप है। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें हम बाद में समझाएंगे, पहले पता करना पड़ेगा वो भूतनी रहती कहाँ है। हाँ बोलो। बॉस मैंने गुड्डू की गन चेक की, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। छुट्टी? तुम नर्स हो कि मेरी जिंदगी कर्स हो? अब मैं अपने बॉस को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? हाँ? कोलकाता के सबसे बड़े डॉन को चूतिया बनाया। भैया हम समझ गए, ये लड़की आपका सच्चा प्यार है, अब सब ठीक हो जाएगा। सच्चा प्यार हमेशा इतना ही कड़वा होता है क्या लड्डू? अरे भैया डोंट बी पेसिमिस्टिक, आइए। नमस्ते बाबूजी। अरे बेटी कहाँ थी तू? मैं अदिति के घर गई थी। बेटी अगले हफ्ते तेरी शादी होने वाली है, इतनी देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है। जा 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 अंदर जा। जी बाबूजी। जा। अच्छा। भैया इसका शादी होने वाला है। अरे हम जानते हैं, कमाल है, हमारी चार सुंदर और सुशील बहनें अभी भी कुंवारी बैठी है और यहाँ इसका भी शादी हो रहा है। साले मतलबी, अब हम क्या करें? आप क्या करेंगे, जाइए उसके बाप को पटाइए, और कोई चारा नहीं ना आपके पास, वरना पूरा जिंदगी आपको ये सोना का स्मगलिंग करना पड़ेगा। अरे नहीं रे, तुम उसका शकल नहीं देखेगा। देखे हैं भैया, बहुत अलग है, इट्स डिफरेंट। जाइए। जी नमस्ते बाबूजी। हाँ नमस्ते, हमें आपसे जरा दो मिनट बात करनी है। बाबूजी आज हम जल्दी निकल जाएं का? देखो 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे? ठीक है बाबू। क्या चाहिए? जी आपकी बेटी का हाथ चाहिए। हमारा नाम गुड्डू है और हम आपकी बेटी काली से बहुत प्यार करते हैं, और अगर वो हमें ना मिली ना तो हम अपनी जान दे देंगे। तुम मेरी बेटी काली की ही बात कर रहे हो ना? जी। कब से जानते हो तुम उसको? यही कुछ पिछला 3 घंटा से। और 3 घंटे में तुम्हें उससे प्यार भी हो गया? 3 घंटे बहुत होते हैं। 3 घंटे में राहुल सिमरन से विदेश में मिला, उससे प्यार भी किया, फिर भाई एयर पंजाब आया, उसकी शादी तोड़ी, बाबूजी से लड़ा और बाई रेलवेज दुल्हनिया ले भी गया। टिंग 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 टिंग। और हम तो केवल बाप तक ही पहुंचे। ऐसी क्या खास बात देखी मेरी बेटी में? अब यही तो हम भी जानना चाहते हैं। क्या सोचने लग गए? सोच रहे नहीं बाबूजी, उका हुआ ना, कल रात को स्वयं काली माता हमारे सपने में प्रकट हुई और हमसे बोली कि बेटा गुड्डू, आज के दिन जो हमारे नाम की पहली लड़की तुमसे टकराएगी ना, वो ही तुम्हारा सच्चा प्यार है। और हमारी किस्मत देखिए, पर्वतों से आज में टकरा गया और आपकी बेटी काली हमें मिल गई। तुम्हें पता है अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी होने वाली है? जी हाँ, इसीलिए तो हम ऐन वक्त पे आ गए ना। लगता है कुछ और ही चक्कर है इस लड़के का। अरे क्या सोच रहे हैं बाबूजी, पूरे कलकत्ते में दिया लेके भी ढूंढेंगे ना तो हम जैसा लड़का नहीं मिलेगा आपको। अरे नहीं नहीं, कुछ सोच नहीं रहे हैं। वो क्या है, तुम्हारा ये हिम्मत देखकर मुझे अपनी जवानी के दिन की याद आ गई। बेटा एक हफ्ते के अंदर 10 लाख रुपयों का इंतजाम कर लो तो मेरी बेटी काली तुम्हारी होगी। तो 10 लाख? क्यों नहीं है? तो 10 बस। हाँ हाँ। अरे 10 लाख तो हम यूँ चुटकी बजा के जमा कर लेंगे, तो 10 लाख दे दिए तो हमारी शादी पक्की। हाँ डील। पैसे मिलने के बाद हाथ मिलाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लड्डू हम बर्बाद हो गए। भैया सूरत पे मत जाइए, सीरत पे जाइए। अबे हम तीरत पे ही ना चले जाए। एक तो ऐसी शकल वाली लड़की के साथ शादी करो, उस पे से उसे 10 लाख रुपए भी दो। वहां ऊपर वाले, तू जब भी लेता है ना थप्पड़ मार मार कर। 10 लाख? वो भी एक हफ्ता के अंदर अंदर।
भैया इससे बेटर तो ये होगा कि आप उस लड़की को पटा लो और उसके साथ भाग जाओ। उसकी अगले हफ्ते शादी है, वो ना मानेगी। गुड्डू भैया आप तो इस मामले में सेक्सपर्ट मतलब एक्सपर्ट हो, आपकी पर्सनैलिटी से आज तक कौन बच पाया है? हेलो जी, तो यस माय सेल्फ गुड्डू। ओ गुड्डू प्यारी 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 आई लव यू बहन जी, माता जी सारी रातें मेरी। अरे हाँ सर पे चढ़ने वाली जवां फीलिंग तेरी के मुझे मार गई हर एक अदा किलिंग तेरी। ओ दुनिया के रास्ते बड़े ही टेढ़े हैं मैडम, आप प्लीज संभल के चलिए। हर वक्त मेरी ये मजबूत बाहें आपको थामने के लिए थोड़े ही होंगी। जी हाँ मैं चलता हूँ। भगवान के दर्शन नहीं करेंगे? हमारे तो दर्शन हो गए। अरे काली तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? हम तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढे? क्या है हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? वो कहा है ना कि आज वैलेंटाइन डे है, तो हम चाहते हैं कि हम आपके साथ वैलेंटाइन डे मनाएं। अपनी शक्ल देखी है? कभी रिपब्लिक डे भी मनाया है? वैलेंटाइन डे मनाने चले। अब देखो काली हमारा दिल ना तोड़ो। दिल? वरना हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे ना। वो क्या है ना जी कि हम बिहारी हैं और बिहार में वैलेंटाइन डे नहीं मनाते। अरे ऐसा कौन बोला तुमसे, हम भी तो बिहारी हैं और हम रोज वैलेंटाइन डे मनाते हैं बिहारी स्टाइल से। ना मुंबईया ना कलकतिया अरे ना दिल्ली स्टाइल से। अरे तो फिर कौन से स्टाइल से भैया? वैलेंटाइन डे मनाई ए बबुआ हम ता बिहारी स्टाइल से। जियो जियो भैया। ना चुम्मा चाटी ना दारू पाटी ना कुछ बुझेला ये दिल देहाती। तू हमरी लिट्टी हम तोहरा चोखा डायरेक्ट हम ते मारी ले चौका। अरे ना डर कौनो मिसाइल से ना डर कौनो मिसाइल से। वैलेंटाइन मनाई ए बबुआ हम बिहारी स्टाइल से। वैलेंटाइन मनाई ए बबुआ हम बिहारी स्टाइल से। तुमके पेट गोरिया सारा इंडिया हिल लहे गोरी। तुमके पेट गोरिया सारा इंडिया हिल ला ओ गोरी। तुमके पेट गोरिया जो कहते हम करते ना पीछे हम रहते वादे पे मर मिटते वो जिगरा हम रखते। कुछ पे हो गया ये लट्टू जिया ओ बेबी। कुछ पे हो गया ये लट्टू जिया हाय। लुट गई तू इस माइल से लुट गई तू इस माइल से। वैलेंटाइन मनाई ए बेबी हम बिहारी स्टाइल से। वैलेंटाइन मनाई ए बेबी हम बिहारी स्टाइल से।
मेरा छोरा देसी देसी है तेवर, चुटकी में हल कर दूं कैसा भी मैटर, न प्लेन से न जहाज से, न प्लेन से न जहाज से, चल दुनिया घुमाऊं तुझे साइकिल से, दुनिया घुमाऊं तुझे साइकिल से। वैलेंटाइन डे टाइम डे टाइम डे टाइम 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 डे वैलेंटाइन मनाई ए गोरी हम बिहारी स्टाइल से, वैलेंटाइन मनाई ए गोरी हम बिहारी स्टाइल से, सुनिए ना, काहे भागे चले जा रही है? हमारा मनोरंजन करने के लिए शुक्रिया, हमारा घर आ गया। अरे आप समझ नहीं रही हमारी बात, हम बहुत सीरियसली कह रहे हैं, अब शादी मनाएंगे हम आपके साथ। आपने जो कहा वो हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई ऐसा मजाक हमसे करता है, पर अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आदत हो गई है। वैसे भी अगले हफ्ते मेरी शादी है। देखिए पहली बात तो ये कि हम मजाक नहीं करें ना, और दूसरी बात ये कि काहे आप ये शादी शादी लगाए रखे हैं। एक बात बताइए, ये जो लड़का से आप शादी कर रही हैं, उससे आप सचमुच प्यार भी करती हैं का? मुझ जैसी लड़की को प्यार करने का क्या हक है, पर हाँ जो भी मुझ जैसी लड़की से शादी करना चाहता है उसकी इज्जत जरूर करती हूँ। यही बात तो हम भी सोच रहे हैं, साला कौन ससुरा है जो तुमसे शादी करने को मरा जा रहा है, हमसे भी बड़ा मजबूर होगा। खैर वेलकम बैक। काहे के बिहारी वैलेंटाइन, एक लड़की तो पटा नहीं सके, वो भी ऐसी लड़की जिसको कोई पटाना नहीं चाहे। तो क्या करे, नहीं पटी, अब उसके बाप को ही पटाना पड़ेगा साला, वो भी पैसा देकर। अरे आप फिक्र नहीं ना कीजिए, एक बहुत बहुत सॉलिड जुगाड़ है हमारे पास। भैया आज तो चंदा दे दो, कब से मांग रहे हैं। अरे भैया तुम एक काम करो ना, हमारे नाम से चंदा मांगना शुरू कर दो, हम तुम्हें कट दे देंगे। अरे हमें जरूरत है यार। क्या कंजूस लोग हो यार। अरे भैया चंदा ही देने को तो कह रहे हैं, किडनी थोड़ा ही मांग रहे हैं। चप्पल से मारेंगे दे दो। नाटक वालों को पैसा नहीं ना देते हम। ये किडनी से हमें एक आइडिया है, तुम्हारे पास तो दो है ना, एक भेज देते। आप भी ना। अच्छा छोड़ो, तुम जुगाड़ के बारे में बताओ ना। अरे गुड्डू भैया यहाँ पे पीछे रोजाना मुकाबला होता है, पंजा लड़ाई का, पहलवानी का, बॉक्सिंग का, और मैनेजर हमारा दोस्त है, अगर भाग लीजिएगा जीत गए तो 5 लाख रुपए इनाम है। 5 लाख? हाँ। अरे तो फिर ले चलो, लड़ा लेंगे हम भी पंजा। गुड्डू भैया सोच लो, भाग लेना है, भाग लेना नहीं है। अबे काहे भागे, में भागे हमारे दुश्मन। हाँ सही बात है, चलिए फिर आज दिखा देंगे, आइए। हाँ तो चलो। अबे तुम कहाँ ले जा रहे हो यार? अरे चलिए तो सही। कहाँ जगह है यार, यहाँ से चलो, हमें बड़ी गंदी वाली फीलिंग आ रही है। तो भैया डरिए मत, डर के आगे जीत है। अरे तुम यही रह गए, अरे इधर आओ इधर आओ। शांति शांति, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कच्छ के जंगलों से जो आया हुआ ई जनावर कच्छा सिंह, ई बड़े बड़े पहलवानों को चित्त कर दिया है, और जो कच्छा सिंह को हरा देगा उसको 5 लाख रुपया इनाम में दिया जाएगा। लड्डू क्या करोगे तुम? गुड्डू भैया हम आपको और तकलीफ में नहीं देख सकते। अबे साले तुम पगला गए हो क्या? वे जान जोखिम में डालने का कोई जरूरत नहीं है। जान की बाजी लगा देंगे आपकी। उबे, उबे। आओ लल्लू आओ। काहे फंसा दिया? का नाम है तुम्हारा? गोवर्धन। गोवर्धन भैया हाँ। कहाँ से आए हो? घर से। अरे सभी घर से आते हैं, जंगल से कोई आते हैं? हम चंपारण बिहार से हैं। अच्छा बिहार से हो, तो तुम ही ने चुनौती दी है? अरे छोड़िए, कोई चुनौती नहीं दी है, धोखा हुआ हमारे साथ। नहीं, साला लड्डू उल्लू का पट्टा, चल घर चलो, तुम साले तुम्हें तोड़ेंगे आज। अरे पिछवाड़े में दम नहीं और हम किसी से, चले आते हैं बिहार से। अरे ओ मैनेजर, क्या बोले बे?
अरे काहे इतनी बकर बकर कर रहे हो? इस साला शेर का फोटो लगाए तो खुद को शेर समझ रहे हो क्या? ये ताकत की बात हमसे ना करना, बिहारी हैं, मत्था घूम गया तो फाड़ देंगे साले। अरे तोड़ फाड़ नहीं करना है, कच्छा सिंह से लड़ना है, इसको हराना है। अरे तो बुलाओ कच्छा सिंह का, एक कच्छा फाड़ देंगे आज तो। अरे आ जा कच्छा सिंह, आ जाओ। ओके पगलो साले, मैं यही खड़ा हूं इन दोनों के पीछे। लाओ बुलाओ, ये रहे हमारे कच्छा सिंह। हमसकल, तुम भी बोली को मिले थे का? अबे कैसा मुकाबला है? नहीं समझे गुड भैया, गुड भैया की जय हो, जय हो, जोर से बोलो। अभी केवल 5 लाख का ही इंतजाम हुआ है, बाकी 5 लाख कहां से लाओगे उल्लू के पट्टे? कमबख्त हमारा तमाशा बना रखा है। उफ तमाशा। गुड्डू भैया की जय हो। आओ घटोत्कच, क्या समाचार लाए हो? आदेश प्रभु। तमाशा? आओ चिरंजी लाल, तुमसे कुछ बात करनी है। आइए। चांदी तूने कर ली अपनी, दिखा के सोने की गन, एक तू धन्ना सेठ ओ स्वामी, और बाकी सब झंड। बोलो स्वामी जी की जय हो, बोलो स्वामी जी की जय हो, जय हो, जय हो सोने के नन। आने दो भाई, आने दो, आने दो, आने दो, बाद में बात करते हैं। स्वामियों के चेहरे पर तेज होता है, आंखों में चमक होती है, पर स्वामी सुनेखरन जी के लंगोट में चमक, एक ऐसी सुनहरी चमक जो उन्हें भविष्य की झलक दिखाती है। पाठक जी हमें बताइए, स्वामी जी के शक्तियों का राज क्या है? स्वामी जी ने 20 साल से हिमालय पे घनघोर तपस्या की, एक दिन अलौकिक शक्ति की कृपा हुई और उनके जांघों के बीच में दिव्य लौ प्रकट। जीते रहो। स्वामी जी, मैं पिछले 5 सालों में तकरीबन 50 बार अपने धंधे बदल चुका हूँ, कोई चलता ही नहीं, कोई उपाय बताइए ना। तुम केवल अपनी आंखें बंद करो और इस सोने की रोशनी को देखो। जी आंखें बंद कर लूंगा तो फिर देखूंगा कैसे? मूर्ख, बहस मत करो। शांत वीरभद्र शांत। तो बताओ वत्स, क्या खाते हो तुम आटा? जी। तो त्याग दो, क्योंकि आटे से होगा केवल घाटा। अगर खाओगे बंद गोभी तो दुकान बंद होगी, अगर खाओगे मटर तो डाउन होगा शटर। प्याज से बढ़ेगा ब्याज और सॉस से होगा सिर्फ लॉस। इसीलिए खाओ केवल दाल और कमाओ ढेर सारा माल, और जाते जाते इसके झोले में जाओ थोड़ी सी दक्षिणा डाल। जय हो स्वामी जी की जय हो। जीते रहो। सी यू। स्त्रीलिंग पुल्लिंग डिंग डिंग। जय हो स्वामी जी की। गुड्डू भैया 10 लाख रुपए हो गए। अरे तो भैं बंद करो ये सब तमाशा, चलो यहाँ से। आइए आइए स्वामी जी, दो दो एक साथ। स्वामी सुनेकानंद और गुड्डू महाराज, हमारी समस्या का समाधान नहीं करोगे स्वामी जी? हमें सोने की एक गन की तलाश है, वो हमें कब मिलेगी? ओह सिट, आपका नाम? डॉन मारवाड़ी। गुड्डू भैया लग गए। तुमने मेरे मिसेस काजोल के साथ गंडोगल किया, तुमने हमारी रूबी के साथ जुबी डूबी किया। अरे अरे शांति रखिए, शांति रखिए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जा साले। क्या करता है? कराते क्यों? अरे तुम लोग गुड्डू का पीछा क्यों कर रहा है? गुड्डू की गन पर सिर्फ मेरा हक है। गुड्डू ने मेरे बीबी का इज्जत लूटा है, मैं भी उसका इज्जत लूटूंगा। वो गन मेरा है, मेरा। गुड्डू की गन को सबसे पहले मेरी मंगेतर ने देखी थी,
तो मेरी हुई एंजेलिना जोली पिछले साल कोलकाता आया था। मैंने उसको पहली बार देखा था तो क्या एंजेलिना जोली मेरा हो गया? गुड्डू सबसे पहले इसको मिलेगा कनुसिका। चलो चलो हेलो लड्डू, एक काम करो तुम सीधा काली भंडार पहुंचो, हम वहीं आ रहे हैं। अरे आप हैं कहाँ? अबे हम आ रहे हैं, तुम वहीं पहुंचो जल्दी। अच्छा लाओ लड्डू पैसा निकालो, वो काली का बाप का मुंह पे मार के आएंगे। अबे पैसा दो, किससे बात कर रहे हो तुम? हैं तुम कौन हो? अब ये लाइट को क्या हुआ? सरिता इन्ना सर टर्न इट ऑन। डॉक्टर गंदे। क्या गंदे डॉक्टर? मेरे को गंदा डॉक्टर बोला तुम? सारा भुगत मेरे को गंदा डॉक्टर बोला तुम? गंदा तुम्हारा खानदान गंदा, तुम्हारा बाप गंदा। अरे डॉक्टर मेरा वो मतलब नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि डॉक्टर मुझे गुड्डू की गंदे। अम्मा भले ही वाह सर, तुम साला भुगत गौन दिखा के गौन मांगता है। मिशन सक्सेसफुल। मैं आपको इसके लिए 2 लाख दूंगा। मेरा लास्ट ऑफर 25 लाख है। Take away. Or go on leave. गन काट के ले गया। 48 घंटे हैं तुम्हारे पास, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन गन ढूंढ कर वापस लाने के लिए। अगर 2 दिन में अपनी गन ढूंढ कर नहीं ला पाए तो तुम हमेशा के लिए बेगन हो जाओगे। हाँ गुड्डू भैया, हमको लगता है ये पौधा फिर से उगाएगा। आप टेंशन मत लीजिए ना, दारू पीजिए। तुम साला चुप करो। एक काम ढंग से होता तुमसे, ना तुम पकड़े जाते ना हम बेघर होते। सारा पैसा भी लगे वो लोग, हमारे जिंदगी में सब बेवकूफ लोग भरे। एक तुम हो, दूसरी वो बदशकल बदसूरत काली जिसे जबरदस्ती गले लगाना पड़ रहा हमें। आज ना हमको एक बात समझ में आ गई गुड्डू भैया, जो भी है ना सब यही है इसी दुनिया में, स्वर्ग नरक सब यही है। जो जैसा करेगा ना उसको यहीं भुगत के जाना पड़ेगा। और आपके साथ जो हुआ है ना गुड्डू भैया, बहुत सही हुआ है वो। आपको किसी की परवाह नहीं है, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने सबक नहीं सीखा है, क्योंकि अपने आगे आपको कोई दिखता नहीं ना। उस भोली का दिल तोड़ दिया आपने, और उसके जैसी न जाने कितनी लड़कियां होंगी। जब शरीर पे चोट लगती है ना गुड्डू भैया, तो मुंह से गाली निकलती है, पर जब दिल पे चोट लगती है ना तो मुंह से बद्दुआ निकलती है। दुआएं लीजिए गुड्डू भैया, आशीष लीजिए, बद्दुआएं मत लीजिए। और खोट हम में नहीं है गुड्डू भैया, खोट आपके दिल में है। वरना क्या वजह है कि वो काली आपको पसंद नहीं कर रही है? आपके लिए लड़की पटाना कोई मुश्किल काम है?
काहे नहीं पटा पा रहे हैं उसको? क्योंकि वो जानती है कि आपके दिल में खोट है। आपने कभी सच्चे दिल से उसको चाहा ही नहीं है। हम मिले उस लड़की से और मिलते ही समझ गए थे वो बहुत सुलझी हुई लड़की है गुडुबिया। पर आपको उससे क्या, आप तो बस खूबसूरती के पीछे भागते हैं, ऊपरी खूबसूरती। तो भागिया, एक बात हमारा याद रखिएगा गुडुबिया, खूबसीरत खूबसूरत से बहुत बड़ा होता है। तुम साला, तुमको बहुत मारेंगे। देखिए देखिए, कॉल छोड़िए सर, कॉल छोड़िए सर। देखिए मैं जानता हूं कि आप लोग मुझसे नाराज हैं, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी स्टोरी से मतलब था और कुछ नहीं, और वो भी मुझे नहीं मिली। लेकिन मैं आपके पास एक ऑफर लेकर आया हूँ। अबे गुड्डू भैया की गन ले जा चुके हो, अब क्या जान लेने आए हो? नहीं जान का मैं क्या करूँगा? अबे तुमको चप्पल से मारेंगे। हाथ से बात मत कीजिए, बता दीजिए। सुन तो लो क्या बोल रहा है, काय आए बे तुम? मैं तुम्हें तुम्हारी गन लाने में मदद करूंगा, बदले में तुम्हें अपनी गन के साथ एक इंटरव्यू देना होगा और एक एक्सक्लूसिव फोटो। मंजूर है तो बोलो। Old is gold, Mr. Pyare. This is very rare piece. What? Only one of its kind in the whole world. Yeah. How much for it? 50 lakhs in Indian currency. Very cheap. Deal. हम उससे मिले, उससे पहले हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हम तुम्हारे साथ कल बहुत बदतमीजी से पेश आए लड्डू, सब शराब भी गिरा दिया तुम्हारे ऊपर, गलत किया, हमें माफ़ कर दो। अरे गुडबे, क्या बोल रहे हैं आप? आप हमारे आइडल हैं, आपका तो हक बनता है। हम ही जोश जोश में कुछ ज़्यादा बोल दिए शायद। नहीं रे, तुम कल बात बात में बहुत बड़ी बात बोल गए, बहुत बड़ी बात। अरे गुडबिया, अच्छा ये छोड़िए, इमोशनल अत्याचार मत कीजिए, लोग देख रहे हैं उल्टा मतलब निकालेंगे। तुम ना साले, पूरा इमोशनल मोमेंट का फाड़ में जाओ। ए काली, देखो हम तुमसे आखिरी बार पूछ रहे हैं, बनोगी हमारी घरवाली? अरे भाग चलो हमारे साथ। गुड्डू, हम जानते हैं तुम हमसे सच में शादी करना चाहते हो। हाँ। पर तुमने आने में देर कर दी। आज हमारी शादी है, और अगर हम अभी तुम्हारे साथ भाग गए तो बाबा जी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मुंह दिखाने लायक? अरे पागल, हम किसी को कुछ भी दिखाने लायक नहीं रहेंगे। देखो काली, अगर तुम हमारे साथ सीधी तरह से नहीं चली ना, तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम खुद नहीं भाग सकते, पर अगर कोई हमें भगा के ले जाए तो हम क्या कर सकते हैं? अरे अब कौन आएगा भगा? अरे ये गाड़ी तुम्हारी है? चलो जबरदस्ती ले जा रहे हैं, जबरदस्ती ले जा रहे हैं, बैठो। आइए जल्दी जल्दी भगाओ, चलो। अरे भगाओ, तुम भगाओ किस को? भैया अरे रुको रुको, अरे गाड़ी रोको, हम ले गए, जल्दी चलो। अरे गाड़ी अपने आप आगे चल रही, रोको भैया। हो अरे अरे का सुना दिया? अरे अरे अपनी मर्जी से भागी थी। तुम पहले बोलना चाहिए ना, वार्निंग नहीं दिया तुम लोग मेरे को? अरे वार्निंग बोले तो क्या मार दोगे? अरे वो छोड़ो, अभी कभी ठीक होगी। अब एक घंटा, एक घंटा, एक घंटा में हो जाएगी ना? कमाल है, ठीक है अभी आराम। अरे पुत्ता चाहिए ना कुछ, जबरदस्ती बेचारी को बेहोश कर दिए अपनी मर्जी से। लड्डू तुम ये बाजू आके बैठो। काहे भैया? अरे जगह बदली करो यार, काहे पूछ रहे हो? यहाँ खिड़की नहीं खुल रही, गर्मी लग रही है, उसको हम संभाल लेंगे, तुम आओ। हाँ? ज्यादा टेंशन ना लो, तकलीफ में ना आ जाए वो। अरे तकलीफ साले तुम हो, जल्दी आओ। गुड्डू भैया, अबे साले इतना लंबे हो, मैं छोटा है, इतना टचिंग कर रहे हो, आराम से जाओ। हाँ हाँ, देखो खिड़की है ना यहाँ पे, हवा आएगा। अरे ये कैसा गलत बेहोश होती है बार बार, तुम बैठो हम संभाल लेंगे इनको। लाओ लड्डू, चाकू दो जल्दी। हाँ भैया, ये लो।
ऐसा नहीं कहा है। इसमें वो चाकू का अटैचमेंट है। अबे गधे किडनैप करना है, नाखून नहीं काटने। भैया इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। अरे गुड्डू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दांत से खोलो भैया, दांत से। अरे इसे खाओगे क्या इसे? रुक जाओ यार। हाँ, अब चुपचाप हमारे साथ चलो वरना हलाल कर देंगे। अरे गुड्डू तुम्हें ये चाकू दिखाने की क्या जरूरत है? तो मुझे जहाँ बोलोगे मैं वैसे ही तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अरे हाँ हलाल तो तुम पहले ही कर चुके हो। अरे छोड़िए, हम आपका किडनैप कर रहे हैं, चलिए साथ। अरे किडनैप? बच्चों के अलावा मैं नहीं जा रही हूँ, इन्हें साथ में लेना ही पड़ेगा। अरे पिकनिक पर नहीं जा रहे, किडनैप कर रहे हैं, चलो। तो फिर मैं नहीं आ रही। अरे रुकी गाड़ी में जगह नहीं, समझा करो। बच्चों को साथ में। अरे काहे गुंडा? अच्छा पकड़ो पकड़ो। अरे चल रहे चल रहे, चलो गाड़ी में बैठो। अच्छा पिंटू वाले भी लेकर जाना है। चलो डॉन, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने तो डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात। हेलो। हाँ यार डॉन, हम गुड्डू बोल रहे हैं और तुम्हारा बीबी हमारा कब्ज में। कब्ज नहीं भैया, कब्जा होगा ना, कब्ज तो तब होता है जब आपकी टट्टियां बंद हो जाए। हेलो। हाँ तुम्हारा बीबी हमारा कब्जे में। क्या बकवास कर रहा है, हमने उसका चीर हरण कर लिया। अपहरण? अपहरण? चीर हरण? साले तुम ही दे दो धमकी, तुम्हें सब आता है किडनैपिंग के बारे में। सॉरी, आप सपोर्टिंग एक्टर है, सपोर्ट कर रहे थे। हेलो सॉरी फॉर डिस्टर्ब। तुम्हारा बीबी हमारा कब्जे में, और साले अगर हमको एक घंटे में हमारा गन नहीं मिला ना तो तुम्हें तुम्हारी बीबी कभी नहीं मिलेगी। मैं मत कर वापस, मैं दूसरी ले आऊंगा, तेरे साथ ज्यादा खुश रहती है। मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो हेलो, तुम्हारा बीबी के साथ साथ तुम्हारा कच्चा भी हमारे साथ है। बच्चा, हाँ, बच्चा, बच्चा, बच्चा भी हमारा साथ है। ए, गुड्डू, तूने हमारे बट्टू को हाथ क्यों लगाया? क्या हो बस? साले अभी हाथ न लगाए, लेकिन एक घंटे में हमें हमारा गन ना मिला ना तो उन्हें ठिकाना जरूर लगा देगा, समझे? ओवर एंड आउट। गुड्डू, क्या हो बस? भैया ओवर एंड आउट वॉज वेरी नाइस। अच्छा दिया ना, हमें भी लगा ऐसा। हाँ आंटी मुशाय। हेलो, मुझे गुड्डू की गन वापस चाहिए। अरे डॉन मुशाय, ओल्ड इज गोल्ड एंड सोल्ड इज सोल्ड। देखो आंटी, एक मेरी बीवी बच्चे गुड्डू के कब्जे में है, वो उन्हें मार डालेगा यार। अरे मैं सब सब समझता हूँ डॉन मुशाय, सब समझता हूँ। आपको कोई बकरा मिल गया है और नियत बदल चुका है। हाँ। अरे नहीं यार, मेरा यकीन करो। देखो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 30 लाख दे दूंगा। नहीं 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 नहीं, चल 40। अच्छा 50 में फाइनल करो। मैंने वो गान ऑलरेडी एक टार्किस कस्टमर को भेज दिया है। अबे साले, कब से केबीसी केबीसी खेल रहा है, पहले नहीं बता सकता ना? केबीसी क्या? मैं कब से बना रहा है चूजिया। जाओ से गन वापस ले। क्या? नहीं 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 कर सकता। एंटी सर, किडनैप किडनैप हो गया सर, किडनैप हो गया। किसका? मेरी फूल जैसी बेटी का। अच्छा, और मुझे पूरा शक है कि ये काम गुड्डू नाम के किसी लड़के का है। अच्छा, आज मेरी बेटी की शादी भी है सर। तो आपको FIR लिखवाना पड़ेगा। अच्छा। आपके पास कोई फोटो वगैरह है लड़की का? हाँ है ना। हाँ, ये मेरी फूल जैसी बेटी। बेटा बहुत भूख लगी है, तुम्हें भी भूख लगी है? हाँ, अभी खाना खिलाएंगे। बच्चों को भूख लगी है, किसी रेस्टोरेंट पे रोको। पागल हो क्या? अरे गुड्डू भैया, यहाँ आगे ना एक बहुत अच्छा होटल है, वहाँ माछेर झोल मिलता है, बहुत बढ़िया, वहाँ रुक ले। अरे चुप करो माछेर झोल, ऐसा कैसे रोक दे गाड़ी, किसी को शक पड़ जाए तो? अगर तुमने इन्हें खाना नहीं खिलाया ना तो ये इतना चिल्लाएंगे कि किसी को नहीं सभी को शक पड़ जाएगा। गाड़ी रोको। रोक दो फिर। तो आप खा लो अम्मा। अरे तुम खुद क्या खा रहे हो, बच्चों को खिलाओ ना, बच्चों को। थोड़ा लो, खाओ खाओ खाओ, भूख लगा है। और कुछ जूस वगैरह लीजिएगा। क्या और कुछ? साले पिकनिक मनाना है क्या? जल्दी आओ। हां जूस पिएगा पागल। जूस बज गया, अब हम पी सकते हैं जूस। अरे काली, अरे तुम ठीक हो ना? सॉरी सरिता ने तुमको गलती से बेहोश कर दी, उसको कुछ पता नहीं है ना? तुम्हारा सर भर ठीक है ना? कुछ खाओगी पियोगी, तुम ठीक हो ना? हाँ, वो लोग बस खाना खा रहे हैं, अभी चलेंगे यहाँ से। थैंक यू गुड्डू। थैंक यू? थैंक यू किस लिए? हमें किडनैप करने के लिए। मेंशन नॉट। पता है, हम जिस लड़के से शादी कर रहे थे, हमें लगा कि वो हमें पसंद करता है, इसलिए शादी करना चाहता है। पर पता चला बाबूजी उसे 10 लाख रुपए दे रहे थे हमसे शादी करने के लिए, और आज सुबह उसने 5 और की मांग की। बाबूजी अपनी दुकान बेचने चले थे, पर हम इतने खुदगर्ज नहीं हैं। हम सोच ही रहे थे कि क्या करें। इतने में तुम आ गए।
इसलिए थैंक यू फॉर किडनैपिंग। काली, तुम्हें पता है कि हम तुमसे शादी क्यों करना चाहते हैं? आपके उस प्रॉब्लम के बारे में लड्डू ने हमें उसी रात सब कुछ बता दिया था। तभी हम सोच रहे थे आप हमारे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं। फिर सोचा कि अगर हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं तो इसमें हर्ज क्या है। मतलब हम एक दूसरे के साथ केवल मतलब के लिए ही हैं? शायद। हमें तो अभी अभी ऐसा लगने लगा था कि हमारे बीच में कोई लिंक है। है? लिंक है, ऐसा कनेक्शन जैसा लगा था हमको। आपका और हमारा क्या मेल है? मतलब कहा आप दिन हम रात, दिन और रात का कोई मेल नहीं। मेल है, हर दिन में ना एक वक्त ऐसा होता है जब दिन और रात जरूर मिलते हैं, और जब वो मिलते हैं ना तो पूरा आसमान में जादू सा हो जाता है। शायद इसीलिए उसे मैजिकार कहते हैं, मैजिकार। पर ऐसा होता है, होता है ऐसा। आंटी। अरे डॉन मोशाई, बोला ना गुड्डू के गान मेरे पास नहीं है। क्या ना कि हमारे पास तुम्हारी बीवी है काजल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। है? क्या सबूत है? सबूत चाहिए तुम्हें? अब मैं तो सबूत। अबे आनंद, मैं अम्मी बोल जी। सुनो, ये लोग हमको एक किडनैप करके लाए, तुमको सबूत चाहिए? ये लोग को जो चाहिए वो दो और हमको यहाँ से लेके जाओ, वरना किसी ना किसी का मर्डर कर देगा। काजोल, ऐसा मत करना, आप धैर्य धरना, हम कुछ करता है। ठीक है, ठीक है। ओ बाड़ी बंद करके आना, जल्दी आओ। हनी, व्हाट्स दैट? This is the case to keep it safe from burglars and thieves. Hello. Hello, Mr. Pyade. Oh, it's for you, honey. I want my royal piece back. There is a bit of an emergency. I won't sell it back. Please, Mr. Pyade, I will give you 60 lakhs. 10 lakhs extra, huh? 1 crore. Take it or leave it. Chalo, Don. Police tumhara. दोपहर 3 बजे मेरे बीबी को लेकर होटल सोनेट के सामने इंतजार करना, ठीक है? ए गुड्डू, 3 बजे होटल सोनेट पहुंच जाना, समझा? अरे चलो सिया। हाँ सर। तुझे लोकेशन का पता चल गया है, आ जाओ बैठो। हाँ आया। जल्दी। हाँ चल। हमारी गन कहाँ है? पहले मेरे बच्चे। पापा। बेटा सैमी, होल्ड इट। दूसरा बच्चा और बीबी अभी भी हमारे पास है, हमारी गन वापस करो। अरे लेकिन बच्चे को तो निकाल के लेके आओ। अरे तुम गन दो हमारी पहले यार। मैं देता हूँ ना गन तुम्हारा। इसका फोटो। अरे बात, अरे क्या बात, बात हुई थी। एंटी मुशा, एंटी मुशा भाई, इसी का चीज। अरे मेरी गन किधर है यार? तुम्हारी गन? अरे गुड्डू की गन यार। अरे हमारी गन इसके पास क्यों है बे? अरे मेरा बीबी का है। काजल, काजल या बोधी, अबे तुम क्या, इधर प्रियदर्शन का पिक्चर चल रहा है क्या? तुम फटाफट हमारा गन दो और फिर ही बच्चा और बीबी मिलेगा। हाँ चलो। अरे यार मेरा गन लेके आना। अरे मेरा बीबी को कुछ मत करना, कुछ मत। Disgusting. What back. Are you doing? It's mine. It's not yours. We have to give it. Money? Have to give it mine. Back. Let it go. Give me money. No. Your royal piece. Your royal piece. Where?
into Uttarakhand. It was a truck. I have the number. What is the number? WB6848. एक घंटा रह गया सूर्यास्त को, पता है यार। अरे बात सुनिए, उसके बाद 48 घंटे खत्म हो जाएंगे, आपका गन बेकार हो जाएगा। हम कह रहे हैं वो सोना को पिघला के ना जेवर बनवा लेते, दीदी का शादी में काम आएगा। पीछा करो पीछा, मैं मेरे बच्चे को तुम्हारा तो मार दूंगा गोली से। तू पीछे रह, नहीं बस नहीं, आगे ले, चल चल चल, ऊपर बोलो, आगे ले, आगे ले, अरे मिल गया, पूरा ऐसी से पूरे कहाँ कहाँ ले गया, ओवरटेक करो उसको, पूरा, तुम्हारा हस्बैंड बहुत गलत किया, हमको जवान दिया था वो, तुम्हारा कुछ भी कर रही है उसको। अबे हट जा, अरे गुड्डू भैया यहाँ अंदर अंदर, हाँ चलो चलो जल्दी चलो। नमस्कार दोस्तों, अरे लाइट दो यार। वाह वाह थिएटर ग्रुप आपके पास फिर लाए हैं मुगले आजम। आज हमारा शो बहुत ही खास है क्योंकि हमारा चीफ गेस्ट पुलिस कमिश्नर राव बिस्वास है। तो आइए एंजॉय कीजिए मुगले आजम, डायरेक्टेड बाय अर्जुन। शहंशाह अकबर को अपने साहबजादे सलीम का अनारकली से रिश्ता मंजूर नहीं था। जब उन्होंने एतराज किया तो सलीम ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। अरे लड्डू, वो कहे थे खंजर में, खंजर ढूंढो, पुल, अरे पुल लिखे, आ जाओ भैया। जंग से पहले बादशाह अकबर ने एक आखिरी बार अपने बेटे को समझाने की कोशिश की। अबे अंदर तो नाटक चल रहा है, वो खंजर और हमारा गन दोनों मंच पर है। भैया मुगले आजम नाटक चल रहा है, 50 बार नाटक देखा है, 20 बार जोधा अकबर। अबे तो उसमें हम क्या करें? अरे एक घंटा लगेगा, उसके बाद गन मिल जाएगी। एक घंटा? अबे एक घंटे में तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी ना लड्डू। भैया सॉरी थोड़ा लंबा है, 2 घंटे लगेंगे। भैया मत कीजिए, जाइए थोड़ा ड्रामा कीजिए, पिक्चर का क्लाइमेक्स है। अबे ड्रामा? चलिए ना भैया, एक्टिंग करेंगे, बड़ा मजा आएगा। मुगले आजम है। सरताज हिंद, शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन अकबर शहजादे सलीम से मिलने के लिए पधार रहे हैं। अरे चलो यहाँ से देखते हैं ना क्या वो। अरे अरे भैया, वाह चंदा के टाइम तो दिया नहीं, अब क्या मुफ्त का चंदन किसने आया है, है? हड़े जाने दीजिए। अरे सुनिए ना, आपसे काम था हमें। अरे मगर भैया प्ले चालू हो गया, चलो बात करो। अरे भैया मेरी एंट्री होने वाली है। सरताज हिंद, शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन अकबर शहजादे सलीम से मिलने के लिए पधार रहे हैं। अबे ये अकबर कहाँ चला गया? अरे ये अकबर बादशाह से बुल्ले शाह कैसे हो गया? फाइटिंग कर रहा है क्या? ये ऋतिक रोशन ने ट्रेंड शुरू किया है सर, अकबर विद सिक्स पैक्स। तक लिया। क्या जिल्ले इलाही, इस बागी का कसूर बख्शने के लिए तशरीफ लाया है? अरे बाप रे, लगता गुलजार साहब ने डायलॉग लिखे। हाँ तशरीफ, तशरीफ तारीफ नवाज शरीफ, तकदीर तदबीर बलबीर शब्बीर रणबीर रणवीर भवासीर, तारीख ए तरन्नुम पायले झुनमुन झुनमुन, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा 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 चरखा चले। पहेलिया मत बुझाइए, साफ साफ कहिए आपको क्या चाहिए? खंजर। खंजर? कोई खंजर से ना मारे मेरे दीवाने को,
अरे एक बाप अपने बेटे से क्या मांग सकता है? आपको जो कहना है कह दीजिए। अकबर ये लाइन बोल, अनारकली से नाता तोड़ दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। सुनो, तुम अनारकली की माता छोड़ दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। माता नहीं चूजिए नाता। अरे माता नहीं चूजिए नाता। जिला इलाही। अरे जिला गाजियाबाद, जिला मुर्शिदाबाद, जिला बंकुरा। आप जो चाहते हैं वो नहीं होगा। क्या है? इसका फैसला जंग करेगी। अगर किसी ने अनारकली को छुआ तो मैं ये डाल दूंगा। हाँ, मेरा बच्चा। अभी हमें तो बदतमीज, तुम अपने बाप को ही खंजर दिखा रहे हो। खंजर एक लफा देंगे और जिंदगी कर देंगे बंजर। अब तेरे संग बस होगी जंग जंग जंग। क्या हुआ? शहजादे सलीम, हम आ गए। क्या शहंशाह की ताकत ने राजपूत के वचन को हरा दिया? राजपूत वचन निभाएगा जब तक है जा, जब तक है जा, जब तक है जा। हम जा रहे हैं। अनारकली, अबे अपने आदमी कहाँ है? अनारकली, अनारकली, ये रही अनारकली। बॉस, 5 बज गए ना, सब कैंटीन में चाय पी रहे होंगे। सॉरी, एक्सक्यूज मी, अरे गिर गया। ये रही अनारकली। अनारकली, किसने की तुम्हारी ये हालत? इश्क ने, मोहब्बत ने। सॉरी, निशाना गलत लग गया। फिर से बोलो। राजपूत, तुम्हारी तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अनारकली को यहाँ ले आए? अरे जिले लाही, मुझे लगा आप फंस गए हैं। अरे अकबर को कौन फंसा सकता है सिवाय तुम्हारे। अनारकली, अगर तुम ठीक हो तो आ जाओ हमारी बाहों में। चुप करिए, हमारी इनसे शादी होने वाली है। इनसे? यही हमारा सच्चा प्यार है। जहाँ पना? जहाँ पना? आप जहाँ हमें पना देंगे हम वहीं रह लेंगे। जब प्यार क्या तो डरना क्या। हाँ, फिर हम अनारकली को लेकर चलते हैं यहाँ से। हाँ, चलो, चलो, चलो। नहीं, ये नहीं हो सकता। अनारकली सिर्फ हमारी है। जब आंखों पे पट्टी बंदी होती है तो सिर्फ अंधेरा ही नजर आता है, लेकिन जब आंखें खुल जाती हैं तो इस सूरत के पीछे छुपा हुआ खूबसूरत दिल भी नजर आने लगता है, और इसीलिए कभी कभी शहंशाह अकबर भी बदल जाता है। हम चाहते हैं कभी कभी अनारकली को सलीम की बजाय अकबर से मोहब्बत हो जाती है, वैसे ही कभी कभी होने वाली बीवी होने वाली अम्मा बन जाती है। अम्मा? पर, अरे पर अम्मी जान को क्या कहेंगे? अरे तुम्हारी अम्मी जान से हम कह देंगे। कहा? जोधा बाई 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 बाई। तारीख बदल जाती है, जमाना बदल जाते हैं, इंसान बदल जाते हैं, और इसी तरह अकबर बादशाह भी बदल गए। आप कौन है? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। शहंशाह ये हिंद, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। रुक जाओ, हम तुम्हें बंदी बनाएंगे बहुरुपिये। अरे हटाओ, काहे बनाओगे बंदी? हम बंदे हैं, और बंदे हैं हम उसके। हम पर किसका जोर, उम्मीदों के। ये खानदानी खंजर हमारा है। अरे पर उसमें सामान तो हमारा है। और ये हमारा है, हमारा है। Oh,
जानते हैं तू वैल्यू पे आया और ये अनारकली भी नकली है। असली तो मेरे पास है। दो दो अकबर, दो दो अनारकली। अरे ये कौन सी बुक ले आ जा भाई यार? बंद करो ये नाटक। ये सब साले नकली हैं। हम हैं असली। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। अंदर जा। राजा मेरे राजा राजा और के तू सब खड़े है। चलो लड्डू जल्दी चलो साले। हाथ नीचे। बाबूजी हम यहाँ हैं। अरे माफ करो छुट्टा नहीं है। बोल बाबूजी हम हैं काली देखिए। बेटी इसने तुझे काली से अनारकली बना दिया। हाँ? इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए इसे। सॉरी गिरफ्तार कर लीजिए। अरे क्या है हमारा सामान है। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट, इसने हमें नहीं भगाया, हम खुद से इसके साथ भागे थे। हाँ? मजाक कर रही है। नहीं बाबूजी हम क्या कर रही है तुम? हम सच कह रहे हैं। आकाश की तरफ देखिए। ये आकाश कौन है? अरे आसमान की तरफ देखिए ऊपर। आसमान जब दिन और रात मिलते हैं तो एक जादू सा छा जाता है, इसे मैजिक कार कहते हैं। वैसे कुट्टू ने अपनी सुनहरी धूप हमारी काली जिंदगी में मिलाकर उसको मैजिक कार बना दिया। बाबूजी हम सिर्फ कुट्टू से ही शादी करेंगे। गुड्डू से? और आपको किसी को हमसे शादी करने की कीमत नहीं चुकानी। हाँ देखिए आपका तो फायदा है। प्लीज बाबूजी पाए लागू। गुड्डू भैया मैजिक आवर सूर्यास्त होने वाला है, अभी हमको कॉस्ट्यूम भी बदलना है, जल्दी चलिए। अरे हाँ लड्डू भाग। अरे वहाँ से नहीं यहाँ से। अरे जल्दी आओ यहाँ से। संभल के। चलो हाय हाय धम। गुड़ गया। हो गई वेल्डिंग भाई। मुबारक हो। हैप्पी वेल्डिंग एनिवर्सरी। ठीक हो गए? पूरी तरह से ठीक हो गए काली? अब गुड्डू जी मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आपकी बारी है। अबे पहले इसकी बारी है। अरे का हुआ गुड्डू भैया, आपका ततैये ने काट लिया का? अबे ततैये के ताऊ तीन दिन से गए नहीं है। गुड्डू का तो मूड ना नॉर्मल हो गया और भोले ने गुड्डू को माफ कर दिया। कौन कहता है कयामत आएगी सब मर जाएंगे? हम बिहारी हूँ पेड़ पे चढ़ जाएंगे। ये तुमने अच्छा वाला दिया लड्डू, लेकिन तुम सिर्फ हमें पेड़ पे ही चढ़ाना। अबे शराब वराब कुछ तो पिलाओ, गला सूखे गली हो गया हमारा। अरे गुड्डू भैया वहाँ तो देखिए गली में आज चांद निकला है, आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? अरे अब कौन सा सरप्राइज दे रहे हो भाई तुम? यहाँ बैठेंगे। तुम लाज लोगी स्मॉल? जो आप पिलाएंगे जी। अरे ये तो बने हुए सेम सेम। हमारा रिवाज है पीने से पहले कहते हैं उल्हास हो। अच्छा ठीक है उल्हास हो। लड्डू काला सांड तोड़े तुम्हारी।
नमार खंजर निगाहों से गुड्डू की गंजर जाएगी। सालों तुम्हारी मदद से पैसा मांगेंगे। नमार खंजर निगाहों से हम सोचते हैं दिखा के उससे पैसा मांगेंगे। गुड्डू की तुम्हारी मदद जाएगी। निगाहों में लगा के सुरमा ना खंजर यूं चला तू जल जाएगा। खुद ही दिल में ना अरमान जगा तू वरना गुड्डू की गन चल जाएगी। अगर तो हम तुम्हें कट दे देंगे। अरे समझा करो हमें जरूरत है। अरे भैया क्या है छोटे मोटे बात कर रहे। हमें यहाँ ना अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही। चलो यहाँ से तूने जल्दी बोली ना। I'm so sorry. गुड्डू बाबा जी ग्रेट द लॉर्ड ऑफ द लिंक्स। एक पान लगा कलकत्ता सादा चूना कम। अरे तुम हमें तुम क्या डालेंगे। अरे हम तो अरे हमारा भैया का काट के लेगा भाई। काटे नहीं बे नॉर्मल हो गए। मुंह में नहीं दांत है तेरे कब्र में पांव है फिर भी अरमान है तेरे। कुटु भैया हमें पूरा यकीन था कि आप ये जंग कभी नहीं हारेंगे। हम आपका एक अवे और गो टू वेरेवर होनी ना दे पे लगाम दिल को कस के दिल घोड़े पे लगाम लगा ख्वाहिशों को यूं फड़ फड़ाने न दे तेरे लिए ऊंचा आसमां है जरा चाहे कितना भी उछल चाहे चूना होने वाली भी होने वाली हम भी बन जाते तू ही चुप रहे और जुल्म सहते शाम भी अब गिरने है वाली होते इस उम्र के सतरंग सहल भी है और ये चल जाएगी चल जाएगी गुड्डू की गंज। मुगल बादशाह अबुल अलफता मुगल बादशाह अबू अल्फत चल जाएगी किस हाल में और किसके पास होगा मेरा बच्चा।